ज्ञान कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन या भिन्नों का लेसम ऐसे कैसे लेते हैं। जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो यही आता है, भिन्नों का लेसम और मैसे ज्ञात करना। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले बात करते हैं लेसम की। जो भिन्न होती है फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। भिन्न जो हमारी होती है वो हमारी होती है अंश और हर में, अंश हर में। यानी कि जो फ्रैक्शन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, और हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं इसको भिन्न या बटा, अंश बटे हर, और फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आइए देखते हैं अगर आपको भिन्न में दी गई हैं संख्याएं तो उनका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि उनका लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका एक सूत्र होता है, एक शॉर्टकट है बहुत सिंपल सा, लासा इजकल टू, जो हमारी भिन्न होगी वो अंश और हर में दी हुई होगी। तो जब हमें लासा निकालना होगा भिन्नों का तो हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे कि अंश का लासा बटे हर का मास है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि भिन्न वैसे तो सिंपल तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन जब भिन्न में आ जाते हो, भिन्न में आता है आंसर तो वहां पे आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला करना है, और इसके बाद आप भिन्न में आपको कोई सा भी आएगा आप कहीं भी अटकोगे नहीं। आइए, और इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आइए देखते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर फोर, एग्जाम्पल 4/5 कोमा 6/25 कोमा 8/15। आइए करते हैं इसका, इसका हमें लैसे निकालना है। तो देखते हैं लैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अंश है वो लिख लेंगे। इसके अंश है आपका दिया हुआ सब में 4, 6, 8, और इन सब का क्या निकालना है आपको, लासा निकालना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 3 ऐसा कैसा ही, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 3 ऐसा कैसा ही, 2 × 2 = 3। तो आपका लासा जो आएगा इसका एलसीएम आएगा हर अंश का वो आएगा 2 × 4 × 8 = 24। अब क्या निकालना है आपको, उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते हैं किसका, 5 का, हर जो इसके दिए गए हैं वो 5 है, 25 है और 15 है। हमें क्या निकालना है, इनका मासा निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं, किन्हीं दो संख्याओं को, इनमें जो छोटी होगी उससे बड़ी संख्या को भाग करेंगे, 25 को 5 से भाग करेंगे, बजो बजो 25 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब अगर ये पूरा कैंसिल हो गया तो इन दोनों का 5 का और 25 का मासा कितना हुआ, 5 हुआ। अब जो इनका मास आया उसका मासे से 15 के साथ उसको हल करेंगे। अब 5 के बारे में 15 आता है, काटते हैं इसको, 5 दिया 15, ये कैंसिल हो गया, तो उसका मैसे कितना हो गया, 5 हो गया। तो हर का मासे कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें किसका लासा निकालना था, 4/25, 6/25 और 8/15। तो उनका लासा हो जाएगा 4/5, 6/25 और 8/15 का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। अंश का लासा कितना आया, 24/5, ये आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कितनी आसानी से हमने भिन्न का लासा निकाल लिया है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका और देखते हैं करके। 5/10, 15/25, 8/12 करते हैं इनका एलसीएम। अब यहाँ पे क्या बेटा, अंश कितना है हमारा, अंश है हमारा 5, 15, 8। निकालते हैं इसका एलसीएम, 5, 15, 8 को लिखते हैं, किससे कटेगा, 2 से 5, 15 ऐसे ही, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 5, 15, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 5, 15, 2 × 2, फिर 5 से 5 × 5, 5 × 15 = 1, और फिर 3 से कैंसिल हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा, 2 × 2 × 2 = 5 × 3,
टू टू या फोर, टू या एट, फाइव या 43 या 120, ये आपका आ गया 2 × 4 × 8 40, 3 × 120, तो इनका लास है कितना आ गया 120 आ गया, किसका अंश का। अब देखते हैं हर, हर हमारा है कितना 10, 25, 12, इनका हर का मासा निकालते हैं, तो आपका 25 को 10 से भाग करेंगे, 10 × 20 आपका आ गया 5, 5 आ गया, 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 × 10 कैंसिल हो गया। अब 25 का और 10 का जो मास आया वो 5 आया, लेकिन यहाँ तो 3 संख्या है, इन दोनों का मास आया 5, तो जब हमें तीनों संख्याओं का निकालना होता है तो किन्हीं पहले 2 का निकाल कर उसका जो मासा आएगा उसके मास से तीसरी संख्या के सातवें मास से निकालेंगे, यानी कि HCF। 12 को अब भाग करेंगे 5 से, 5 × 10 2 बचा, 2 से भाग करेंगे 5 को, 2 × 4 1 बचा, 1 से भाग करेंगे 2 को, तो 1 × 2 तो आपका मास कितना आया 10, 25 और 12 का मास है, इसका मास हो आपका 1, कितना आया 1। अब हमें निकालना था इसका मास है 5, 15, 25 और 8, 12 का मास है बराबर कितना आ गया, आपका फॉर्मूला था अंश का लास है 120/1, यानी कि 120 आपका आंसर। आइए अब देखते हैं हम हर का मास कैसे निकलता है, भिन्नों का मास कैसे आता है। भिन्न वही है आंसर, फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब बस हमें क्या करना है, इसमें मास निकालना है HCF। अब मास कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला भी उसके जैसा ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहां पे हमें मास निकालना है तो ऊपर लिखेंगे अंश का मास है और हर का लास है, यानी कि HCF ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं कोई क्वेश्चन। 25, 5, 45 / 2, 8, 12 इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है, तो सबसे पहले क्या इसके अंश, अंश हमारे पास है 25, 5, 45, हमें क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है, निकाल लेते हैं। 25 को भाग करेंगे 5 से, 5 × 5 = 25 इसका मास कितना है 5, और 25 का मास कितना है आपका 5 है, 5 का और किसका निकालना है 45 का, 5 से 45 को भाग करेंगे, 5 × 45 पूरा कैंसिल, तो 25, 5 और 45 का जो मास आया, इनका जो मास आया वो कितना आ गया 5। और हर का लास है, हर में देखते हैं कितना है, हर आपके पास क्या क्या है 2, 8 और 12 करते हैं इसको, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 6 = 12 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 तो उनका लास आ गया हमारा 2 × 2 × 2 × 3 2 × 4 × 8 = 24 तो इसका लास कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब हमें क्या निकालना था बेटा, इसका मास निकालना था, तो इनका मास बराबर होगा आपका, क्या था फॉर्मूला, अंश का मास है, अंश का मास है जो हमने निकाला था, कितना आया था हमारा 5, और बटे हर का लास है, हर का लास है कितना है 24, तो 5/24 इसका आंसर आ गया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि LCM और HCF का क्या, अगर आपको पूरा विस्तृत जानना है तो हमें कमेंट में बताएं कि इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएं आपके लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।